वेलकम टू डियर ऑटो। आज हमारे पास है हुंडई का क्रेटा गाड़ी टाइपिंग करने के लिए आया है, जिसमें हम लोग व्हाइट कलर से ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं कस्टमाइज ब्लैक कलर में, जो कि कस्टमर का बेसिकली बहुत अच्छा नीड है। बेसिकली कस्टमर कलरिंग के लिए आए थे, बट उनके हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज के हिसाब से उन्हें रैपिंग अच्छा लगा, तो बेसिकली हम इस गाड़ी के ऊपर पूरा ब्लैक कलर का रैप करने वाले हैं। सो बेसिकली गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ काम है नहीं, गाड़ी कस्टमर के अभी 5 साल पुरानी हो चुकी है, तो कस्टमर को कुछ तो भी हटके डिज़ाइन चाहिए था, हटके कुछ तो भी कलर चाहिए था, तो उन्होंने रैपिंग का हम लोगों ने उनको सजेशन दिया, तो उसके अंदर एग्री हो गए। बाकी गाड़ी के अंदर हल्के फुल्के डेंट्स और पेंट हल्का सा पिल आउट है, वो अभी सब रैपिंग के अंदर हम लोग कवर अप करके लेने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, गाड़ी के अंदर हल्के फुल्के डेंट्स है, तो डेंट्स हम कवर अप करके उसके अंदर लांबी और पुट्टी का वर्क होने वाला है, जैसे कि उसके अंदर पूरा प्लेन सरफेस आ जाएगा और पीपीएफ बिठाने के लिए और आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का डेंट है, वो भी पूरा क्लियर होके पीपीएफ उसके ऊपर प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगा। सरफेस जो है वो क्लीन आना मांगता, वही चक्कर के लिए वो उसके लिए पुट्टी वर्क और बेस वर्क करके उसको फिर रैप कर रहे, वो प्रोसेस में ही है अभी चालू। करने का फायदा उसका यही है कि गाड़ी का जो बेसिक कलर है, जो बेस कलर है गाड़ी का, वो कभी भी डैमेज नहीं होगा। रैपिंग जो है गाड़ी के कलर के ऊपर आता है, इनकेस आप गाड़ी इन फ्यूचर सेल भी करना चाहते हो तो उसका आपका रीसेल का वैल्यूएशन कुछ भी डाउन नहीं होगा, उस टाइम पे आपका जो कलर है वो वैसा ही रहेगा। रैपिंग सर हम लोग तभी रिमूव कर सकते हैं, तो बेसिकली पेंट से अच्छा बेहतरीन जॉब हम रैपिंग में भी दिखा सकते हैं। सो गाइस आपके ऊपर डिपेंड, और रैपिंग में कैसा आपका कॉस्टिंग कम पड़ेगा एज कम्पेयर पेंटिंग में। पेंटिंग में वर्क ऐसा करना पड़ेगा आपको, कलर पहले पूरा कलर डिमोल्श करना पड़ेगा, वो कलर निकाल के फिर आपको रैपिंग का मतलब रिपेंट कर सकते हैं, उसके लिए फिर ऑटो अप्रूवल वगैरह सब ये प्रोसेस करवा देते हैं, वो इससे अच्छा रैपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बेसिकली गाइस जब भी हम गाड़ी फुल पेंट करने के लिए जाते हैं, तभी गाड़ी के अंदर तकरीबन 10 से 12 दिन तो टाइम पीरियड जाते ही, अगर अच्छे क्वालिटी का कलर रहेंगे तो। बट बेसिकली जब भी हम रैपिंग करते हैं तो मिनिमम 4 to 5 days में रैपिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, और जैसे कि कस्टमर के पास अगर टाइम नहीं रहेगा, कुछ टाइम का इशू रहेगा, तो 4 to 5 days में पूरा गाड़ी का रैपिंग हो जाएगा। आपको कोटेशन अगर चाहिए आपकी गाड़ी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भी दिए, आप कॉन्टैक्ट करके कोटेशन भी ले सकते। गाइज आपको अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्तों को भी सजेशन दे सकते हैं, आपकी भी आपकी गाड़ी रिस्टोर हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं गाड़ी के फाइनल शॉट्स।
आपको गाड़ी मिल सकती है। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि डी आर ऑटो ने स्टार्ट टू एंड बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। द गाइडेंस दैट दे गेव अस कि आपको रबिंग पॉलिशिंग करना चाहिए, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। यू कैन ऑल्सो सी द फिनिश प्रोडक्ट आउट ओवर हियर, इट्स प्रीटी डैम गुड। सो उस वजह से आई एम कम्प्लीटली सैटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ डी आर ऑटो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।